देखो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के एडजस्टमेंट्स पर आती हूँ तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने एडजस्टमेंट कौन कौन सी कवर कर ली थी? एक तो हमने क्लोजिंग स्टॉक जहां पर लिखना था उसको लिख दिया था। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है 64,000। नेक्स्ट थी हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में उसको ऐड कर देते हैं और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी में। तो हमने ये लाइबिलिटी में लिख दिया था वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद जो हमारी थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट थी वो हमने दोनों एक साथ कवर की थी क्योंकि दोनों ही पॉइंट डेटर से रिलेटेड है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो बैड डेट्स का हम क्या करेंगे, बैड डेट्स हमारा इधर कृतिका एंड सानवी, तुम लास्ट क्लास यूट्यूब से देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। वैसे ये एक बड़ा टॉपिक है बैड डेट्स वाला और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी इसका कंसेप्ट अभी हम आगे जो और क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी कवर हो जाएगा, बट लास्ट क्लास तुम जरूर करना क्योंकि वहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ बैड डेट्स को हम कहाँ पर करते हैं। एक तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाते हैं कि हमें इतने डेटर्स पर डाउट है कि उनसे हमें रिकवरी नहीं होगी। तो ये जो बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट है पहले इसको देख लेते हैं। ये हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी और बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके लिए हमें पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हम देखेंगे क्या, जो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% का, वो पहले हम डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर प्रोविजन बनाते हैं। इसका रीजन क्या था ये मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, बट एक बार और देख लेते हैं। बैड डेट्स हमारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, ये जो बाहर एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। अब जो डेटर्स हमारे पहले से ही बैड हो चुके हैं उनके ऊपर हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो कंफर्म है, उनसे तो हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए 20,600 में से पहले हमने क्या किया, जो बाहर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए हुए थे उनको डिडक्ट किया, फिर वो जो डेटर्स की वैल्यू आई है उसके ऊपर हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। क्योंकि प्रोविजन हम किस लिए बना रहे हैं कि इन डेटर्स के ऊपर हमें डाउट है, मतलब हमें 5% डेटर्स के ऊपर डाउट है कि हमें इनसे रिकवरी नहीं होगी इन नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हमने आज ही करंट ईयर में ही एक प्रोविजन बनाया है 5% का, 1,000 रुपीज हमारी वैल्यू आई है, ठीक है। प्रोविजन का क्या इफेक्ट जाता है हमारा, एक तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम करंट ईयर में ही लॉस रिकॉग्नाइज करके चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर का, ठीक है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, डेटर्स में से इसको लेस करके दिखाते हैं। तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं उनका इफेक्ट हमारा वो दोनों P&L अकाउंट में जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा उसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमने इतना ही किया था, फोर एडजस्टमेंट कवर कर ली थी। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन काफी अच्छा है, सारी एडजस्टमेंट इसकी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको टिक भी कर लेना। देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। इसका क्या मतलब है, देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, मतलब जो हमें अंदर ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन होगा ना, वो कह रहे हैं कि वो हमारा 11 मंथ्स के लिए पेड था सिर्फ, मतलब वो सिर्फ 11 मंथ की वैल्यू थी। इट मींस हमारा 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग होगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है कि रेंट हमारा कितने मंथ्स का पेड किया हुआ है, जो रेंट पेड हमें वैल्यू दी हुई है वो 11 मंथ्स की है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर बाहर हमें ये बात बताई है, इससे हमें ये पता चलता है कि 1 मंथ का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा, 1 मंथ का। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू तो नहीं पता ना आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो वो मुझे कैसे पता चलेगी, वो मैं अंदर जो ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन होगा उसकी हेल्प से कैलकुलेट करूंगी। अब देखो ट्रायल बैलेंस में चेक करो रेंट कितना गिवन है, रेंट की वैल्यू मुझे चेक करके बताओ एक बार, क्योंकि ये ना थोड़ा सामने से तुम देखोगे लाइनिंग्स का थोड़ा वो हो जाता है, वरना मुझे काउंट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला है इसमें से।
22,000 आई थिंक। देखो रेंट की वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितनी गिवन है, 22,000। जिसके पास बुक है एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करके बता दो कि यही वैल्यू थी। ठीक है, रेंट की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 22,000। अब ये 22,000 जो रेंट है ना, ये 11 months का रेंट है। तो मुझे मैं तुम बता सकते हो कि 1 month का रेंट कितना होगा? अगर 11 month का इतना है तो 1 का कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 22,000 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 11 से डिवाइड कर दूंगी। जितने मंथ का ये रेंट है उतनी वैल्यू से डिवाइड कर दूंगी। तो हमारा रेंट आ जाएगा कितने मंथ्स का, फॉर 1 month, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2,000। अब हमें 1 month का ही रेंट चाहिए था जो हमारा आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स हमारा जो, अगर मुझे 2 months का कैलकुलेट करना होता तो मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देती, क्योंकि 1 से 1 का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितनी वैल्यू वो है उसको उतने से डिवाइड कर देंगे जितने मंथ्स का वो था। तो 1 month का आ जाएगा, तो मेरा 1 month का ही रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसमें देखो इनडायरेक्टली हमें बताया गया, डायरेक्टली नहीं बताया गया, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन तुमने देखे थे उसमें हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पर तुम्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी है। ठीक है, तो 2,000 रुपीज तुम्हारा क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ये तुम्हें वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, ये तुम्हारा वर्किंग नोट बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट नंबर 2 है। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा ये था, ठीक है, जो हमने डेटर्स के लिए किया था। क्लियर है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, एडजस्टमेंट तो सिंपल ही है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो वाला एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पर, टू रेंट कितना, 22,000 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इसी में ही हमारा ऐड हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। जितना रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। और ये 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा यहाँ पर भी चला जाएगा। कई बार प्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको टोटल करके बाहर एक ही अमाउंट लिख देते हैं। तो तुम अलग अलग भी लिखोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हो सकता है स्कूल में एक साथ करके भी लिखाया गया हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो जनरली एक क्वेश्चन में एक ही आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट होती है, तो इसलिए मैंने उसको मर्ज नहीं किया, थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी रहेगी सिर्फ इसलिए। ठीक है, इसलिए ऐसे कंफ्यूज मत होना, कभी स्कूल में कुछ और है तो कभी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसको तुम अलग अलग दिखा दो या एक साथ, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है इतना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड। रेंट वाला पॉइंट क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सारी एडजस्टमेंट इसमें ऐसी दी गई है, थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो मैं देखो इंश्योरेंस प्रीमियम बताया गया है कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम। देखो ये एडजस्टमेंट ना बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम। नॉर्मली देखो क्या होता है, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, कई बार हम अपने फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं या अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिस भी चीज का ये इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस जो जनरली होता है ना वो पर एनम का पे होता है एक साथ। ठीक है, एनुअली वो क्या होता है, एक बारी वो एनुअल अमाउंट जितना भी उसका बनता है वो एक साथ ही पे कर दिया जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो हमने इंश्योरेंस पे किया है वो कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का था, मींस वो जो पर एनम काउंट किया गया है वो किस मंथ से किस मंथ तक काउंट किया गया है। क्योंकि देखो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं अप्रैल से मार्च के, हम बना रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। ठीक है, हमारा ईयर तो ये है, तो हमें जो एक्सपेंस लिखने हैं या इनकम लिखनी है वो अपने ईयर से रिलेटेड लिखनी है। अगर इसमें कुछ नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा तो हमें उसको यहां से हटाना है। कंसेप्ट हमारा यही है। तो अब देखते हैं इंश्योरेंस हमारा कब से कब तक का था। इंश्योरेंस के आगे बताया गया है इंश्योरेंस इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2021। अब देखो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, और जो ये इंश्योरेंस है ये पर एनम पे किया गया है, और वो ईयर कब एंड हो रहा है इंश्योरेंस वाला, 31 मई 2021।
21. तो देखो ये तो मार्च से आगे जा रहा है, तो इट मींस ये इंश्योरेंस कब से कब तक का होगा? 31 मई लिखा है अगर, तो इट मींस ये हमारा 1 जून 20 से 31 मई 21 तक का होगा, तभी तो ये पूरे साल का बनेगा. तो मुझे एक्सपेंस लिखना है सिर्फ 31 मार्च तक का, क्लियर है? तो 31 मार्च से आगे काउंट करो कि ये कितने मंथ्स आगे जा रहा है. तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स हमारा एक्स्ट्रा हो गया. इट मींस मैं यहाँ पर बोलूंगी कि इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड है कितने मंथ्स का, इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर 2 मंथ्स. ये बात मुझे कैसे पता चली इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड है 2 मंथ्स का? हमें डायरेक्टली नहीं बताई क्वेश्चन में, हमें ये बात खुद से समझनी है. कैसे पता चला, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एडजस्टमेंट मोस्टली क्वेश्चंस में आने वाली है. आगे तुम देखो देखोगे काफी क्वेश्चन में मिलेगी. तो मैं इंश्योरेंस का ना ईयर गिवन होगा कि इंश्योरेंस हमारा कब तक का पे किया गया है. तो जैसे यहाँ पर बताया गया था वो पूरा पर एनम का था, मींस पूरे साल का था, और वो एंड हो रहा था 31 मई, क्लियर है? कभी कभी ये डेट 30 जून होगी या कुछ और भी हो सकते हैं, 30 सितंबर, कुछ भी गिवन हो सकता है. तो तुम्हें चेक करना होगा कि वो 31 मार्च के बाद कितने मंथ्स आगे जा रहा है. तो जितने मंथ्स वो आगे जा रहा है, इट मींस वो नेक्स्ट ईयर में चला गया वो पार्ट. तो वो नेक्स्ट ईयर का है तो वो हमारे लिए प्रीपेड हो गया, तो ये एक टाइप का प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा. तो कितने मंथ्स का प्रीपेड है, हमने काउंट किया मार्च से मई तक हमारा कितना बनता है. 31 मार्च को तो हम मार्च में तो काउंट करेंगे ही नहीं, अप्रैल और मई 2 महीने हो गए हमारे. तो यहाँ पर 2 मंथ्स का इंश्योरेंस क्या हो गया हमारे लिए, प्रीपेड हो गया. अब ये 2 मंथ्स की हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो इंश्योरेंस कितना गिवन है. ट्रायल बैलेंस में चेक करो जल्दी से और बताओ इंश्योरेंस कितना गिवन है. इंश्योरेंस की वैल्यू हमारी कितनी है, 3600. कितना है ये, 3600 ही है आई थिंक. तो इंश्योरेंस हमारा यहाँ पर हम देखेंगे, इंश्योरेंस जो गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर ये कितना था, 3600. ये 3600 कितने मंथ्स की वैल्यू थी, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया. जो इंश्योरेंस पेड है वो पर एनम का है, मींस पूरा 12 मंथ्स का इंश्योरेंस है. कितने मंथ्स का इंश्योरेंस है ये, पूरा 12 मंथ्स, ठीक है? तो 3600 जो वैल्यू है वो पूरे 12 मंथ्स की है. तो अगर मुझे 1 मंथ की वैल्यू काउंट कर कैलकुलेट करनी होगी तो मैं कैसे करूंगी, 3600 को डिवाइड कर दूंगी 12 से, तो ये आ जाएगा हमारा इंश्योरेंस फॉर 1 मंथ. 1 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जितने मंथ्स का था, जैसा कि हमने रेंट में भी किया, रेंट 11 मंथ का था, उसको 11 से डिवाइड कर दिया था. इंश्योरेंस पूरा पर एनम का था तो मैं पूरे 12 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 300. तो 300 अगर 1 मंथ की वैल्यू है तो 2 मंथ्स की कितनी होगी. तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया. हमने ऊपर लिख दिया है 2 मंथ्स का है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600. इट मींस हमारा 600 का इंश्योरेंस, 3600 में से 600 प्रीपेड वाला पार्ट है. किसी को इस एडजस्टमेंट में डाउट है, इस कैलकुलेशन में डाउट है, तो पहले मुझे ये बताओ यस और नो, समझ में आया या नहीं, इसका इफेक्ट क्या जाएगा. ये 3600 का 600 जो वैल्यू है इसके अंदर, वो प्रीपेड वाला पार्ट है. इसको हम कैसे शो करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करते हैं. पहले मैं यहां पर लिखूंगी P&L अकाउंट में टू इंश्योरेंस, जो मुझे पहले से गिवन है वो कितना गिवन है, 3600. इसमें से लेस कर दूंगी क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड वाला पार्ट है उसको यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये यहाँ पर बचेगा कितना, 3000. और जो ये 600 प्रीपेड है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से कहाँ जाएगा, ये एसेट साइड में आ जाएगा. ये चीज तुम्हें पता ही है प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट होती है, उसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस कर देते हैं. और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाता है. तो देखो ये एडजस्टमेंट भी हमारी काफी अच्छी है, रेंट वाली एडजस्टमेंट भी अच्छी थी और प्रीपेड इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट भी अच्छी है. तो ये वर्किंग नोट नंबर 3 तुम्हें बनाकर दिखाना पड़ेगा, क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो मुझे बताओ यस और नो, क्लियर है या नहीं. यस मैम.
तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी अच्छी है। सारी एडजस्टमेंट में इसमें मतलब वैसे तो पुरानी थी, पहले हम देख चुके हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से दी हुई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020। हमने लोन कब लिया था? 1 अक्टूबर 2020 को लिया था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में चेक करो, लोन की वैल्यू गिवन होगी, बैंक लोन की वैल्यू। देखो बैंक लोन दिया हुआ है, तुम अगर ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे तो ये एक बार मुझे बैंक लोन के आगे परसेंटेज बताना कितनी लिखी हुई है। 8% है या ये कुछ मेरा पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। बुक में एक बार प्लीज देख कर बताओ, ये बैंक लोन के आगे जो परसेंटेज लिखी हुई है ये कितनी लिखी है। एट 8%। तो देखो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 8% बैंक लोन, कितनी वैल्यू गिवन है? 25,000। अब इसके बारे में बताया हुआ है बाहर, क्या बाहर हमसे बोला हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ये जो लोन था ये हमने 1 अक्टूबर 2020 को लिया था। तो ये इंफॉर्मेशन किस लिए गिवन होगी तुम्हें क्या लगता है? अगर हमें डेट बताई है तो ये क्यों बताई हुई है? कुछ देखकर लग रहा है? बोलो, अगर मुझे 8% बैंक लोन की वैल्यू दी हुई है 25,000 और बाहर मुझे डेट बताई हुई है, तो इसकी कोई रेलिवेंस है डेट की? किस लिए गिवन होगी ये डेट? मैम 5 मंथ्स का लगेगा ना सिर्फ बैंक लोन। हाँ, तो इस पर हमें क्या करना है, देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ये डेट हमें बताई हुई है फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ 8% के हिसाब से, क्योंकि 8% मुझे परसेंटेज गिवन है 25,000 का 8%, तो देखो कितने मंथ्स यहाँ से बैठेंगे। अक्टूबर से काउंट करना, ये संस्कृति तुमने मंथ्स गलत काउंट किए हैं, क्योंकि अक्टूबर को आई थिंक तुमने इंक्लूड नहीं किया होगा। 1 अक्टूबर है तो इसलिए अक्टूबर भी पूरा इंक्लूड होगा, ये 31 अक्टूबर नहीं है, 1 अक्टूबर, यानी कि पूरा अक्टूबर का इंटरेस्ट भी तो देंगे हम। अक्टूबर, ओके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो तुम काउंट करोगे तो ये तुम्हारे 6 मंथ्स आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट देखो कितना है 25,000 का, तुम 8% कैलकुलेट करते हो अगर 6 मंथ्स का, तो एक बार मुझे बता दो कैलकुलेट करके कितना बनेगा ये। टू फोर आई थिंक 1,000 रुपीज आएगा। ठीक है, तो 1,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब तुम ट्रायल बैलेंस में चेक करो, क्या ये इंटरेस्ट गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड कहीं गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है इंटरेस्ट, तो इट मींस हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं वहां पर। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया है वो बात सही है, बट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इंटरेस्ट गिवन होगा, इंटरेस्ट पेड, तो इट मींस वो पे हो चुका है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, इट मींस ये इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं इंटरेस्ट गिवन है, तो तुम देखोगे तो कहीं भी ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन नहीं है। इट मींस ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या बन गया, हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया एक तरीके से। तो ये परसेंटेज दी हुई है, डेट बताई हुई है, तो इसकी क्या रेलिवेंस है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है क्योंकि लोन के ऊपर हमें पे करना था, तो ऊपर से ये पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा ट्रायल क्या बोलते हैं, P&L अकाउंट में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ तक मान लेती हूँ P&L अकाउंट इससे नीचे आ जाएगा, तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये तुम्हारा स्पेस जहां होगा P&L अकाउंट में ऊपर या नीचे, जहां भी तुम्हें स्पेस दिख रहा होगा अपना, उस हिसाब से लिख देना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पूरा ही आउटस्टैंडिंग है। अब अगर देखो इंटरेस्ट मान लेते हैं पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होता 400 रुपीज, तो मैं ये मानती हूँ फिर 1,000 में से 400 पेड है, फिर सिर्फ 600 आउटस्टैंडिंग होता। अब तो पूरा ही आउटस्टैंडिंग है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ ये पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो ये 1,000 रुपीज हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ना हमें रेफरेंस देना है वर्किंग नोट का। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 4 था, प्रोविजन वाला वर्किंग नोट नंबर 1 था, ठीक है, रेंट वाला वर्किंग नोट नंबर 2 था,
प्रीपेड इंश्योरेंस का वर्किंग नोट नंबर 3 था। तो यहाँ पर ना रेफरेंस भी देना है कि ये कैलकुलेशन करी है तो कहाँ से आई है ये वैल्यूज। क्लियर है? तो एक तो हमारा इंटरेस्ट P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, दूसरा ये इंटरेस्ट हमारा कहाँ चला जाएगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। तो नॉर्मली जो बैंक लोन होता है ना उसको उसके साथ में ऐड करके दिखा देते हैं क्योंकि वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। तो पहले मैं लोन की वैल्यू लिख देती हूँ। बैंक लोन कितना था? 25,000। इसका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो हम लाइबिलिटी में उसके साथ ही ऐड करके दिखा देते हैं क्योंकि ये लोन, ये जो इंटरेस्ट है ये इस लोन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये लोन की वैल्यू यहाँ पर 26,000 लिख देंगे, या फिर इसको अलग अलग भी दिखा देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 अलग लिख दिया और बैंक लोन 25,000 अलग लिख दिया तो उसमें भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तुम अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में लिख देते हैं तो थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होने वाली बात है और कुछ नहीं। तो तुम्हारी चॉइस है यहाँ पर। नॉर्मली तुम देखोगे अगर बुक में कहीं दिखा है, करा हुआ है सॉल्व तो वो ऐड करके ही दिखा रखा है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। क्लियर है? इंटरेस्ट वाली जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर है या नहीं है? क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी तुम्हें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलने वाली है तो वहां पर मैं तुमसे पूछूंगी इसका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको जरूर खुद से भी सॉल्व करके देख लेना। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। तो दोनों के ऊपर पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट होगा कौन सा? ये वर्किंग नोट नंबर 3 था, वर्किंग नोट नंबर ये 4 था, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग नोट नंबर 5। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? कैलकुलेट करो तुम लोग भी कितना आएगा। मशीन की वैल्यू देखो कितनी की बने अंदर। यार एक बार मुझे ना तुम लोग वैल्यू प्लीज बता दो क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है ना, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा। शायद 50,000 है मशीन वाली वैल्यू। कंफर्म कर दो कि ये ही है ना, मतलब गलत तो नहीं लिख रही मैं। ऐसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू जस्ट इसके नीचे वाली है तो 14,000 होगी। तो 50,000 का देखो तुम कितना यहाँ पर देखोगे, अगर 10% कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 5,000, और 14,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,700। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, एक तो इसको P&L अकाउंट में लिखते हैं और दूसरा हम उस एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, पहले P&L अकाउंट में लिख देते हैं। मैं थोड़ा यहाँ ऊपर को लिख रही हूँ, मेरे में स्पेस थोड़ा कम रह गया। 2 डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है हमारा? 5। तो मैं टोटल वैल्यू एक साथ लिख रही हूँ 5700 क्योंकि मैंने वर्किंग नोट में उसको ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन टोटल। और दूसरी एडजस्टमेंट इसकी क्या होगी, एसेट में हम क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू लिखेंगे 50,000, उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो ये हो जाएगा 45,000। ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे, 14,000 थी उसमें से लेस कर देंगे उसका डेप्रिसिएशन 700 तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 13,300। ठीक है, तो देखो जितने भी एडजस्टमेंट थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बाकी की इंफॉर्मेशन बची है उसको जहां जहां लिखना होता है उसको वहां लिख देंगे। तो पहला काम तुम, तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को करने का, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करो, उसके बाद में उनसे रिलेटेड पॉइंट तो साथ साथ लिखे ही जाते हैं तो इसलिए उन पर टिक कर देना चाहिए, और जो बाकी के पॉइंट्स बचे हैं उनको जहां लिखना होता है उनको वहां पर लिखते हुए चलते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा है इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। कैपिटल देखो सबसे पहले, अब ट्रायल बैलेंस में गिवन है कैपिटल, कैपिटल को लिख देते हैं कैपिटल की जगह लाइबिलिटी में। कितना है? 80,000। तो मैं इसको इनर कॉलम में ही लिखती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐड और लेस होना होता है।
नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से ही एडजस्ट करके दिखा देते हैं, कितना 18,000। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स, कितनी है 1,55,000। चेक कर लेते हैं सेल्स, रिटर्न तो गिवन नहीं है, तो देखो रिटर्न आउटवर्ड गिवन है हमें, सेल्स रिटर्न तो रिटर्न इनवर्ड होती है ना, तो रिटर्न इनवर्ड नहीं है ना हमारे क्वेश्चन में कहीं भी, ठीक है। तो मैं सेल्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स, कितना है सेल्स 1,55,000, ठीक है। उसके बाद हमें दी हुई है परचेजेस, तो लिख देती हूँ यहाँ पर टू परचेज, कितनी है हमारी परचेजेस की वैल्यू 82,600। इसके बाद में दी, देखो मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा क्योंकि अभी हमने देखा था ना रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, तो लेस होगा इसमें से। इसके बाद में दिया हुआ है स्टॉक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ये 42,000। उसके बाद में दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड, तो इसको हम परचेजेस में से लेस कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड हमारी क्या होती है परचेज रिटर्न, कितनी की बनेगी 1,600। तो ये हो जाएगा 81,000। इसको कैलकुलेट करके साथ साथ लिखना है आउटर कॉलम में, हम पता क्या करते हैं नॉर्मली अंदर लिख देते हैं और बाहर लिखना भूल जाते हैं, ऐसा होता है, इसलिए ये चीज ना सॉल्व करके साथ साथ आउटर कॉलम में भी लिख देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, तो मैं यही लिख देती हूँ कैरिज इनवर्ड। जो तुम फॉर्मेट बनाते हो ना, भाई एक बार क्वेश्चन को देखकर थोड़ा एडजस्टमेंट देखकर थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से ना थोड़ा बड़ा हमें बना लेना चाहिए उस केस में। कैरेज इनवर्ड हमें गिवन है कितना 1,200। नेक्स्ट था हमारा वेजेस जो कि हम लिख चुके हैं, उसके बाद में गिवन है पावर, पावर बताओ कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बोलो भाई पावर कहाँ आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई तो बोलो, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या चीज कहाँ लिखी जाती है, और पावर के ऊपर तो मैंने स्पेशली एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बोलो भाई पावर कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग या पीएनएल? हम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि पावर जो है वो नॉर्मली पावर जब लिखा होगा तो हम उसको एज्यूम करते हैं जैसे मशीन्स वगैरह में यूज होती है ना जो इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पावर वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो काम हमारा सब फैक्ट्री में हो रहा होगा तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मैम अगर पावर एंड फ्यूल लिखा है तो भी ट्रेडिंग में, तो भी ट्रेडिंग में, फ्यूल तो है ही ट्रेडिंग से रिलेटेड। यस मैम, ठीक है, क्योंकि फ्यूल वगैरह सब मशीन में यूज होता है, तो ये मशीन वगैरह कहाँ चल रही होंगी, फैक्ट्री के अंदर चल रही होंगी, ठीक है, इसलिए पावर भी हमारा कहाँ आएगा 6,000 पावर की वैल्यू। तो मेरा थोड़ा स्पेस कम रह गया है तो तुम देख लेना, ये ट्रेडिंग का पार्ट है, कभी गलती से पी एंड एल में समझ लो। उसके बाद में मशीन दिया हुआ है वो हम लिख चुके, फर्नीचर भी हम लिख चुके, सैलरी भी सॉरी रेंट भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद में है सैलरी, सैलरी की वैल्यू कितनी है 15,000, सैलरी हमारी पी एंड एल अकाउंट में जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू सैलरी। अगर लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो भी हमारी पी एंड एल में आती, क्योंकि सैलरी वर्ड पहले लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता है तो वेजेस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, वेजेस क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट होता है तो उसको हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, मेजर पार्ट वेजेस का मानते हुए, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, 8% बैंक लोन भी हमारा हो चुका है, डेटर्स भी हो चुके हैं,
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पर जाएंगे? लाइबिलिटी में, वो भी करंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 18,900। इसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा एसेट्स में 1500। तो देखो जिसको जहां लिखना था वो आइटम वहां लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या काम बचता है? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन तुम लोग प्लीज खुद कर लेना, बहुत टाइम लग जाएगा वरना, ठीक है। सही आना चाहिए, सब चीजें हमने ठीक ही की हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वो अलग बात है। तो प्लीज तुम लोग खुद से चेक करना कैलकुलेशन। इसमें हमारा जीपी आ रहा है, जीपी जो भी आएगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे बाय ग्रोस प्रॉफिट के नाम से, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करोगे तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखो इतने सारे वर्किंग नोट बने हैं, मोस्टली एडजस्टमेंट्स के लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़े हैं। तो लास्ट क्लास देख लेना, उसमें देखो मैंने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर लेना, इसका कैलकुलेशन घर पे कर लेना अपने, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता दो। अब मैं देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कराने लायक, कराने लायक क्या। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन ना करा के ना एडजस्टमेंट बता देती हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है कि किसको कहाँ लिखना है, कोई एडजस्टमेंट कराने लायक है तो मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था क्या, किसी ने ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था, किसी ने ट्राई किया है या नहीं? मानसवी एंड संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 5 अगर ट्राई किया है तो इसमें तुम्हें इसकी फोर्थ एडजस्टमेंट में हो सकता है कंफ्यूजन आना चाहिए। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, और ट्राई ही नहीं किया तो बहुत गलत बात है। तो देखो मैं एक बार बता देती हूँ इसका पॉइंट नंबर 4 एडजस्टमेंट का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4 देखो, थर्ड भी देख लो, पहले थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड और फोर्थ रिलेटेड ही है। थर्ड पॉइंट में लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स। 5% का डेप्रिसिएशन लगना है ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स पहली बात तो पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अगर तुम ट्रायल बैलेंस में आते हो तो ट्रायल बैलेंस में देखो क्या क्या हमें गिवन है फिक्स्ड एसेट, बता सकते हो मुझे देख करके इसमें से कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं? ट्रायल बैलेंस में चेक करो, सबसे ऊपर स्टॉक दिया हुआ है, देन फर्नीचर, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। उसके बाद तुम चेक करोगे तो मुझे और कोई फिक्स्ड एसेट नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे दो फिक्स्ड एसेट हैं यहाँ पर, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि अगर एडजस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट्स वर्ड यूज किया हुआ है तो हमें ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्लियर है। कभी वहां पर फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ ही देखो और वो तुम्हें ना मिले तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाना है ये ना पता चले, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना खुद से सोचना है। अब यहाँ पर हमारे हमें दो फिक्स्ड एसेट मिले, अब यानी कि हमें फर्नीचर के ऊपर भी 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब देखो फोर्थ एडजस्टमेंट अगर तुम देखते हो तो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन जो कि हमने परचेज की थी 10,000 की ऑन 1st October 2020। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी की जो टोटल वैल्यू गिवन है वो गिवन है हमें कितनी, 1,50,000, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इस 150 में एक मशीन थी 10,000 की जो कि हमने परचेज कब की थी, 1st October 2020 को। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी की 1,40,000 की मशीन थी वो हमारे पास पहले से होंगी। इसका मतलब यह है कि 1,40,000 के ऊपर तो 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का,
लेकिन इस 10,000 के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स। ये चीज तुम डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीख कर आए हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। जो मशीन हम अगर इन द ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन परचेज करते हैं तो उस पर उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगना है जब से वो तुम्हारे पास है, जब से तुमने उसको यूज करना स्टार्ट किया है। तो 10,000 के ऊपर जो तुम 5% डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 6 मंथ्स का लगाओगे, और 1,40,000 के ऊपर पूरा 5% पूरे साल का लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो 5% तुम कैलकुलेट करोगे तो 500 का हाफ ये 250 हो जाएगा और ये 7,000 हो जाएगा। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो 7,250 आएगा, किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। फर्नीचर का तो 5% जो भी वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना पूरा, क्योंकि फर्नीचर के ऊपर तो सिंपल है कि 5% लगाना है, जितनी भी उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से देख लेना। तो थोड़ा सा ये पॉइंट इसमें इंटरेस्टिंग था, बाकी तो और कोई पॉइंट में कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है ये। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस वो भी बताया हुआ है कि कितना तुम्हारा एडवांस है, 200 रुपीज, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस 200 गिवन है पहले से, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बस छोटा सा पॉइंट था कैलकुलेशन का। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद में यार मुझे कोई पिक्स शेयर कर दो प्लीज, मेरे पास ना यहीं तक ही है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मेरे पास है। आगे के एटलीस्ट 4 क्वेश्चन की कर दो, और क्लास के बाद ना मुझे पूरा चैप्टर की कर देना। मानसवी तुम ही कर दो, ठीक है, 4 क्वेश्चन की कर दो, और उसके बाद में मुझे ना पूरे चैप्टर का कर देना जितने बच्चे हैं, क्योंकि न्यू एडिशन है तो प्लीज। और जिसके पास भी ओल्ड एडिशन है वो पिक्स में शेयर कर देती हूँ, तो वहां से ना मैच कर लिया करो तुम्हारे में, क्योंकि क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और कुछ नहीं। और बाय चांस ही कोई क्वेश्चन होगा जो न्यू होगा, बाकी सब आगे पीछे तुम्हें अपने वाली बुक में भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन सामने होना जरूरी है जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रही हूँ। इतने किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो। अपना साथ साथ होमवर्क करोगे तो तुम्हें चैप्टर करने का कोई यूज होगा, अदरवाइज कुछ यूज नहीं है, इतना याद नहीं रहता। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 मार्क्स का चैप्टर है ये तुम्हारे एग्जाम में, इसका 8 मार्क्स का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, बाकी तो 5, 6, 4, 3 मतलब वेटेज इस तरीके से है, लेकिन ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, पूरा क्वेश्चन आएगा विद एडजस्टमेंट, इसलिए अच्छे से कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। अच्छा, पहले मैं ट्रायल बैलेंस में ही एक चीज बताती हूँ, मुझे ट्रायल बैलेंस में ही कुछ नजर आ रहा है ऐसा जो मुझे डिस्कस करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में तुम देखोगे जो राइट हैंड साइड पर वैल्यूज गिवन है, लोन, सेल्स, परचेज, यार तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन का क्या रहेगा, मैं एक बार ग्रुप पे डाल देती हूँ फिर से, ये ना मुझे वैसे ग्रुप पे मंगाना चाहिए। चलो मैं फिर भी ग्रुप पे डाल रही हूँ तीनों इमेजेस, चेक कर लेना जिसके पास ओल्ड एडिशन है, चेक कर लेना, मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ना एक चीज गिवन है, कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, कमीशन के आगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर बना के नहीं दिया, बस ऐसे ही बैलेंसेस दे दिए, कमीशन के आगे वर्ड लिखा हुआ है CR मतलब क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, ये हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? यहाँ पर ये कमीशन हमारे लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इनकम, इनकम, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट वर्ड यूज किया है ना। तो अगर हमें प्रॉपर ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होता ना, तो कुछ फिगर ऐसी होंगी जिसमें तुम्हें बताया हुआ होगा कि मतलब क्या है वो, इनकम है या एक्सपेंस, उसके लिए डेबिट या क्रेडिट मेंशन किया होगा। ठीक है, तो देखो ये तो था ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात, इसके बाद में थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखती हूँ।
एडजस्टमेंट में अगर तुम चेक करोगे तो एडजस्टमेंट इसमें ना हमारी सिंपल है, लेकिन डेप्रिसिएशन का पॉइंट इसमें ना पूरा बड़ा वाला है। तो एक बार में ये अभी हमारी 15 मिनट्स हमारे पास हैं, तो ये मैं डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अच्छे से डीपली फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो हमें लास्ट क्वेश्चन गिवन था उसमें थोड़ा कम गिवन था, उसमें थोड़ा कम था, मतलब पूरा पूरी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी वो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसको पूरा कवर किया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं एडजस्टमेंट कराने जा रही हूँ, वो भी डेप्रिसिएशन, उससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स से रिलेटेड। तो प्लीज अच्छे से सुनना। देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा स्टॉक का ही है, तो स्टॉक का पॉइंट तो तुम कर लोगे खुद से, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट में देखो लिखा हुआ है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, फर्दर 1800 एज बैड डेट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें गिवन है क्या, बैड डेट्स की वैल्यू कितनी गिवन है? वो बोल रहे हैं कि 1800 फर्दर बैड डेट्स, मतलब और राइट ऑफ करो, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला है, एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% पर एनम। प्रोविजन को कितना बनाना है तुम्हें डाउटफुल डेट्स के ऊपर, प्रोविजन कितना बनाना है डाउटफुल डेट्स, 5% का, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी गिवन थी, बट इसमें नया पॉइंट ये है कि जब तुम ट्रायल बैलेंस चेक करोगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हें पहले से बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिलेंगे। चेक करो बैड डेट्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी गिवन है। फर्स्ट वाली लाइन में सबसे लास्ट हमें बैड डेट्स गिवन है कितना, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली वैल्यू लिख रही हूँ मैं, कितनी गिवन है, 5500। फिर सेकेंड लाइन में तुम आते हो तो वहां पर तुम्हें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मिलेगा। यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, ये पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स डेटर्स से रिलेटेड है, तो मैं डेटर्स की वैल्यू भी यहाँ पर लिख लेती हूँ, उसका भी यूज होगा क्योंकि, ठीक है। ये ना एक्सट्रीम मैक्सिमम इतना पॉइंट आएगा, इतनी ही एडजस्टमेंट है डेटर्स से रिलेटेड जितना मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 62,800 है, सॉरी 62,800। अब देखो ध्यान से सुनना, हमें एडजस्टमेंट में बोला गया है कि बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं 1800 के और प्रोविजन बनाना है 5%। अब देखो डेटर्स की वैल्यू थी हमारी 62,800 और ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से बैड डेट्स थे 5500। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास हो चुकी थी, उनसे रिलेटेड लेजर्स बन चुके थे, तभी हमारे पास ये बैलेंस आए। यानी कि ये वाले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट तो पहले हो चुकी होगी। अब ये जो न्यू एडजस्टमेंट गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है ये वाले बैड डेट्स हमने कंसिडर नहीं किए थे। तो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हम क्या करते हैं, उतनी वैल्यू से अपने डेटर्स को कम कर देते हैं और ये लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जो बेड डेट्स पहले से गिवन है, इट मींस ये हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे। तो बेड डेट्स कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ा पॉइंट आ जाता है प्रोविजन का। देखो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने कितने डेटर्स के ऊपर डाउट है कि हमें नेक्स्ट ईयर उनसे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें 5% का प्रोविजन बनाना है और ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से 9,000 का प्रोविजन दिया हुआ है, तो तुम्हें चेक करना होगा। देखो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन पहले से गिवन है ना, इसका मतलब ये है कि हमने लास्ट ईयर, मतलब हमने ना पहले से 9,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था। हमने कितने का प्रोविजन बनाया हुआ था, इसको हम बोल देंगे ओल्ड प्रोविजन। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा ना, उसको हम बोल देते हैं ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। ओल्ड और न्यू दो नाम दे देते हैं इनको। इसको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता है, इसे हम बोल देते हैं न्यू बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, ठीक है। उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ओल्ड और न्यू वर्ड यूज करूंगी। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उनके लिए ओल्ड वर्ड यूज करेंगे, और जो एडजस्टमेंट में गिवन है उनके लिए हम न्यू वर्ड यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है, देखो 9,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। तो देखो ये एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे उसका,
जो हमें बेड डेट्स पहले से गिवन है, पहले तो हम वो लिखेंगे, टू बेड डेट्स। कौन से वाले बेड डेट्स होंगे ये? ओल्ड, जो पहले से गिवन है। कितने गिवन है जो पहले से हैं? 5,500। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे क्या? न्यू बेड डेट्स। न्यू बेड डेट्स कौन से होंगे? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होंगे। वो हमें गिवन थे कितने? 1,800। ठीक है, और जो हमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है, अब देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 7,300। अब देखो जब हमें पहले से ओल्ड प्रोविजन गिवन है ना, 9,000, वो पहले से ही इतना बना हुआ है कि जो तुम नया, मतलब जो तुम्हारे ये बेड डेट्स और एडिशनल बेड डेट्स हैं, नए वाले बेड डेट्स, ये सब उससे एडजस्ट हो जाएंगे। तो नॉर्मली हम देखो क्या करते हैं, हम ओल्ड बेड डेट्स लिखेंगे, न्यू बेड डेट्स लिखेंगे, यहाँ पर हम न्यू प्रोविजन लिखेंगे, इसमें हम न्यू प्रोविजन को ऐड करेंगे जो हम नया वाला प्रोविजन बनाने वाले हैं, और इन सब वैल्यूज में से ये ओल्ड वाला जो प्रोविजन होता है ना, इसको यहां से लेस कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें ये ट्रायल बैलेंस गिवन होता ना, तो ये ओल्ड प्रोविजन तुम्हारा क्रेडिट साइड में गिवन होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको, ये हम ओल्ड प्रोविजन ना इन सब में से एडजस्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि अब हम एक नया प्रोविजन बनाने जा रहे हैं, इसमें से हम इस ओल्ड प्रोविजन को इसलिए माइनस करते हैं। ओल्ड प्रोविजन में लिख देती हूँ कितना था हमारा, 9,000 का, 9,000 का ये ओल्ड प्रोविजन था, इसको भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, ओल्ड बेड डेट्स लिखेंगे, उसमें न्यू बेड डेट्स एडजस्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविजन ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा P&L का पार्ट है, लेकिन ये जो ओल्ड प्रोविजन होगा ना, जो पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा, उसको इसमें से हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ये नए वाले बेड डेट्स हुए हैं ना, सारे जितने भी ये बेड डेट्स हैं, ये सब हम क्या करते हैं, जैसे हमने एडवांस में प्रोविजन बना लिया, ठीक है, अब हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, हमें पता है नेक्स्ट ईयर हमारा इतने डेटर्स का लॉस होने वाला है, ये डेटर्स हमें मिलने वाले नहीं है, इनसे हमें पैसा रिकवर नहीं होगा, लेकिन अब हमने क्योंकि पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो नेक्स्ट ईयर जब हमारा एक्चुअल में लॉस होगा, उसको हम P&L अकाउंट में ना लिखकर उस ओल्ड प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे बेड डेट्स हुए हैं ना, इनको हम एडजस्ट कर देते हैं विद ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन बनाया ही इसलिए था। क्लियर है? तो ये सारी एडजस्टमेंट हम एक साथ दिखाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में बस ये दो पॉइंट थे, मतलब ये वाला एड, ये जो मैंने ऐड की है, तो हमने बस ये दोनों वैल्यूज लिख दी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास पहले से बेड डेट्स भी गिवन है, पहले से प्रोविजन भी गिवन है, तो तुम सारी वैल्यूज को एडजस्ट करके लिखोगे। पहले ओल्ड बेड डेट्स लिखोगे, देन न्यू बेड डेट्स, देन न्यू प्रोविजन, और इन सब में से ये ओल्ड वाला प्रोविजन माइनस करके दिखा दोगे। तो ये न्यू न्यू प्रोविजन तो मुझे अभी कैलकुलेट करना है, तो न्यू प्रोविजन मैंने अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें डेटर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, मैंने यहाँ पर लिखी है 62,800। तो मैंने बताया था अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स दिए हुए हैं, तो पहले हमें वो वाले बेड डेट्स इसमें से माइनस करने हैं, वो वाले बेड डेट्स हमें माइनस करने हैं, तो वो 1,800 है। वो जो वैल्यू आएगी 61,000 आई है, इसके ऊपर तुम्हें क्या बनाना है, न्यू प्रोविजन। ठीक है, क्योंकि जो बार हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स गिवन है, इट मींस वो डेटर्स में से माइनस नहीं हुए थे, तो जो हमारे कंफर्म हो चुके उनको तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, जो बेड डेट्स पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, देखो मैंने ये माइनस नहीं किए डेटर्स में से, क्यों? क्योंकि इनकी एंट्री तो हो चुकी होगी। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स गिवन है, पहले मुझे क्या करना होगा, डेटर्स में से वो माइनस करने होंगे, फिर उस वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनाना होगा। तो हमें जो न्यू प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है, 61,000 के ऊपर 5%। तो ये तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आई थिंक 3,050 आएगा, 6,100 का हाफ, 3,050। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करोगे, 3,050 लिख दोगे। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ओल्ड बेड डेट्स, उसमें ऐड करेंगे न्यू बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन, और उनमें से लेस कर देंगे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड प्रोविजन, तो उसमें से उसको लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें उस
पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था उसकी वैसे एडजस्ट करके दिखाने है। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये तुम्हें आउटर कॉलम में लिखनी है, जो ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है? और इसके दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? दूसरा इफेक्ट दो चीजों का लिखना है हमें, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो ये और ये वाला पॉइंट गिवन था। तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में तुम डेटर्स लिखोगे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 62,800। इसमें से जो तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट्स गिवन है पहले, तो वो माइनस कर दोगे 1800। और जो तुमने न्यू वाला प्रोविजन बनाया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला, क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीजें होती हैं उन्हीं का ही तो दो जगह इफेक्ट जाना है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले बैड डेट्स और प्रोविजन है उनका इफेक्ट डेटर्स में दिया जाएगा। तो कितना है ये हमारा? 3050। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू आएगी फाइनल, इन दोनों को लेस करके ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर लिख दी जाएगी डेटर्स। तो ये थी हमारी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। वैसे ये अभी बहुत क्वेश्चन में आएगी, मोस्टली क्वेश्चन में आएगी, लेकिन ये एक्सट्रीम केस है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। बाकी इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी तुम कंप्लीट करोगे। डेप्रिशिएशन लगाना है मशीनरी के ऊपर, वो लगा देना, लिखा हुआ है। नेक्स्ट में प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। 7,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग वैल्यू दी हुई है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू भी नहीं थी, यहाँ पर तो हमें वैल्यू गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट भी तुम्हें पता है क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सारी एडजस्टमेंट सिंपल है, तो प्लीज कर लेना इसको भी। ठीक है, ये तुम्हें करने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में कराऊंगी ना, तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन होगा, ये तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो मैं एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेती हूँ। जो पीछे वाला चैप्टर है उसको कराने का यही यूज है कि तुम्हें वहां पर ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी जानी है। नेक्स्ट चैप्टर में मेन तुम्हारी एडजस्टमेंट है, तो हमें उनका इफेक्ट समझ में आना चाहिए कि उसको हमें कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। क्लियर है? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 भी तुम्हारा होमवर्क है, और जब मैं होमवर्क बोलती हूँ तो उसको किया भी करो। ठीक है, और पूरा पूरा सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आधे आधे करके छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 7 में सारी एडजस्टमेंट सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट में देखो एक चीज दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो 2,600,000 और एक है 2,05,000। 2,600,000 है, 2,06,000 नहीं है, ध्यान से देख लेना। और एक वैल्यू है 2,05,000। तो जो दोनों में से कम होती है ना वैल्यू, हमें वो वाली वैल्यू लिखनी होती है। ये चीज में लास्ट क्लास में भी मैंने बताई थी। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन लगा देना। नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ प्रोविजन से रिलेटेड है। देखो बाहर ना बैड डेट्स गिवन नहीं है, बस प्रोविजन गिवन है। तो क्या करोगे, जो डेटर्स है उसके ऊपर डायरेक्टली 5% कैलकुलेट कर लेना, वो तुम्हारा प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन का क्या करना है, एक तो हमें P&L अकाउंट में लिखना है प्रोविजन, और दूसरा हमें डेटर्स में से माइनस करके दिखाना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मतलब एक तरीके से प्रीपेड। ठीक है, मतलब ये हमारा नेक्स्ट ईयर में जा रहा था, तो 2,000 रुपीज तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने, मीन्स 2,000 रुपीज तुम्हारे प्रीपेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है, तो वो भी सिंपल है। ठीक है, तो हो जाएगा पॉइंट सॉल्व। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस करके लेके आने हैं। देखो टोटल क्वेश्चन मुझे नहीं पता कितने होंगे, तो 3 या 4 क्वेश्चंस करके लेके आने हैं, तुम्हारा होमवर्क है और करने ही हैं, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ना मैं होमवर्क तुमसे मंगा भी सकती हूँ कि जहां सॉल्व किए हुए हैं मुझे पिक शेयर कर दो, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्लास एंड करते हैं फिर, क्योंकि न्यू स्टार्ट कराऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन में। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना।